जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। वाराणसी मैसूर एक्सप्रेस की जर्नी के पार्ट टू में आप सभी लोगों का स्वागत है। पार्ट वन को तो हम लोगों ने राजधानी स्टाइल बनाया था, रास्ते में खाना पीना खाते बीचे हम लोग पहुंच चुके हैं कोपरगांव यानी शिरडी रेलवे स्टेशन। और आज के इस सफ़र को आप लोग देखेंगे कोपरगांव से बेंगलोर तक, जिसमें हम लोग अहमदनगर, दौंड, सोलापुर, उसके बाद गुंतकल, उसके बाद बिलारी होते हुए तुमकुर वाले रास्ते से बेंगलोर पहुँचे हैं। एक अनोखा रूट है और हम लोग यात्रा कर रहे हैं वाराणसी मैसूर एक्सप्रेस में। जैसे कि आप लोगों ने सुना, सप्ताह में केवल एक ही दिन चलती है ये ट्रेन, और ट्रेन में 10 स्लीपर के कोच, 3 3 टायर, 1 2 टायर लगता है। और हम लोग नए अनोखे रूट को कवर करते हुए आज बेंगलोर तक के अपने सफ़र को पूरा करने वाले हैं। चलिए मैं आप लोग से मिलता हूँ कोपरगांव से डिपार्चर पे। पुणे शहर के एल्कोटिन से यहाँ पे खड़े हुए हैं और निर्धारित समय से बिल्कुल हम लोग चल चुके हैं कोपरगांव रेलवे स्टेशन से 6:50 पर। अभी आगे जाकर के अगला स्टॉप है अहमदनगर, फिर दौंड हम लोग पहुँचेंगे। शिरडी यहाँ से काफ़ी करीब है, लगभग 14 किलोमीटर है शिरडी यहाँ से, तो आप लोग बाई रोड जा सकते हो। आधा घंटे का समय लगेगा, शेयर टैक्सी बस वगैरह सभी चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगी। एक बेस्ट स्टेशन है अगर आप लोग शिरडी से आ रहे हो या जा रहे हो, क्योंकि मोस्टली ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पर दिया गया है। पुनताम्बा रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनें नहीं रुकती हैं और पुनताम्बा काफ़ी करीब पड़ता है अगर आपको शिरडी पहुँचना है। तो दोस्तों बिल्कुल निर्धारित समय से 9:35 पर हम लोग पहुंच चुके हैं अहमदनगर। यहां से भी आप लोग खैर शिरडी जा सकते हैं। मैं आपको वही स्टेशन बता रहा हूं जहां पे ज़्यादातर ट्रेनें रुकती हैं। पुलतामा में तो ज़्यादातर ट्रेनें नहीं रुकती हैं, पर अहमदनगर और कोपरगांव में मोस्टली ट्रेन रुकती हैं, जहाँ से आप बाई रोड शिरडी स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों देखते ही देखते हमारी ट्रेन का भी यहाँ से डिपार्चर हो चुका है अहमदनगर से। बगल में हमारे खड़ी है पुणे हावड़ा एक्सप्रेस और आज फुल मून डे है, तो आप देख सकते हैं आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों अहमदनगर से विजय होटल की थाली आ चुकी है, जो हम लोगों ने रेलवे स्टेशन से ऑर्डर की थी। यहाँ पे कुछ चीज़ें, मुझे लगता है इसमें कोई स्वीट होगी, चलिए जल्दी से देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों ये है हमारी स्पेशल थाली, जिसमें आपको स्टार्टिंग में ही मिंट देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे वेजिटेबल सब्जी, और मुझे लगता है ये राजमा यहाँ पे दिया गया है। तो ये राजमा है, मिक्स दाल आप कह सकते हो, और साथ में यहाँ पे पनीर, इसमें पनीर के पीसेस मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। साथ में गुलाब जामुन, तो थोड़ा सा सलाद, और ये है मील्स, और पराठे का साइज़ आप देख सकते हैं। ये आपको 250 रुपीज़ की थाली, विजय होटल की जो थाली है उसमें मिल जाएगा। और ये होटल आपको रेल रेस्टोरेंट से आप इसे बुक कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी बुक किया था। कई लोगों को प्रोसीजर नहीं पता होता है, तो उसमें आपको करना है कि गूगल पे जाइए, रेल रेस्टोरेंट टाइप कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, आपका जो PNR है उसे एंटर कीजिए, मैंने तो कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद आपको डिफरेंट तरह सारे स्टेशन देखने को मिल जाएंगे, कहाँ से आप अपना खाना बुक कर सकते हैं। आपने जो प्रेफरेबल स्टेशन उसे चूज़ करिए, जैसे मैंने अहमदनगर चूज़ किया क्योंकि रात में 9 बजे के आसपास आ रहा था, तो डिनर के लिए बेस्ट टाइमिंग है। वहाँ से आप खाने को सेलेक्ट कीजिए, थाली रेडी कीजिए, कार्ड पे जाइए, ऐड कीजिए, पे करिए, और आपका खाना आपकी सीट पे आ जाएगा। चलिए टेस्ट मैं आप लोगों को बता दूँ कैसा है। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं कैसा है खाना, और पहले सबसे पहले सब्जी देख लेते हैं कैसी है। एक चीज़ मैं कहूँगा कि आज के पूरे दिन की ये सबसे बेस्ट सब्जी है, और जो खाना है आज का सबसे बढ़िया खाना रहा है मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस का रियल स्टोर के साथ। राजमा को 10/10 दूंगा, आखिर मेरा फेवरेट है, और इतना स्वादिष्ट बनाया गया है कि अलग ही मज़ा है। अब देखते हैं पनीर का कैसा स्वाद है। बिल्कुल गजब है सब चीज़ें। आप रसगुल्ला तो सेम ही होगा, बाकी यहाँ पे रायता दिया गया है और चावल। अगर आप लोग इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हो तो मनमाड के बाद कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा
आपके लिए 100% रिकमेंडेड है। खाना बहुत ही बढ़िया है यहाँ का, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि अगर आप लोगों ने कभी ट्राई किया है तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने जो छोटी सी पैदल रेस देखी वो थी LTT चेन्नई एक्सप्रेस के साथ, और हम दोनों ही ट्रेन्स में तेज़ रफ्तार में एंट्री ली। अब समझ गए होंगे कौन सा रूट वहाँ से मिलता है दौंड जंक्शन पे। मुंबई पुणे से आने वाली लाइन यहाँ पर हमको मिल चुकी है दौंड जंक्शन में। अब दोनों लाइन हम मिलकर चल रहे हैं सोलापुर की ओर। मैं आप लोग को बता दूँ एक और रेल बस का रूट यहाँ से हुआ, जहाँ पर अब रेल बस तो नहीं पर लोकल ट्रेन ज़रूर चलती हैं। आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैंने पिछले वीडियोज़ में कई बार बताया दौंड से वो रूट कहाँ की ओर गया है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल हमारी ट्रेन दौंड जंक्शन में पहुँची है। रात के समय भी यहाँ खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल है, आवाज़ आपको आ ही रही होगी, बिरयानी, अंडा बिरयानी और वड़ा पाव, जिन चीज़ें मैंने स्टेशन में देखी अरावल के टाइम पे। खैर दूसरी तरफ था, रेस वगैरह ले रहा था, लेकिन जब इस तरफ आया तब तक ये सब चीज़ देखने को मिली। पानी वगैरह के स्टॉल, जूस वगैरह के स्टॉल, सभी चीज़ें ओपन है यहाँ पे, तो आपको स्टेशन में कोई दिक्कत होगी नहीं। और यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर 12 बजे का था, हम लोग यहाँ पे 11:25 ही पहुँच चुके हैं, समय से काफ़ी पहले, सफिशियंट टाइम है। मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर में, ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों यहाँ 12:05 हमारा डिपार्चर हो चुका है दौंड जंक्शन से। आप लोगों तो देखा ही एक तेज़ रफ्तार ट्रेन ने कैसे दौंड जंक्शन को स्किप किया। फिलहाल आज काफ़ी लेट हो चुका है, 12 बज चुके हैं, अब सोया जाए। आप लोगों से मुलाकात होगी कल के दिन के सेक्शन में। ये ट्रेन कुछ अनोखा रूट लेती है जो कि आपको कल पता चलेगा। फिलहाल के लिए गुड नाइट दोस्तों। मैसूर एक्सप्रेस की Day 2 की जर्नी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अभी हैं जांजगीर से रायचूर के बीच में, और बीच में अभी हम लोग पार कर रहे हैं कृष्णा नदी को। कृष्णा रिवर नाम का स्टेशन पड़ता है, उसके जस्ट बाद कृष्णा नदी आती है। तो दोस्तों हम लोग साउथ अब प्रॉपरली आ चुके हैं। हम लोग हैं रायचूर में, और यहाँ पे इडली वड़ा की गूंजने की आवाज़ आपको सुनाई दे ही रही होगी। रायचूर फेमस है अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए, अपने किले के लिए और गोल्ड माइन के लिए,
और ये जो स्टेशन है ना बहुत ही प्यारा सा है, छोटा सा है, लेकिन यहाँ मतलब दिन में बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी मैं बैंगलोर राजधानी या बैंगलोर से दिल्ली जाने वाली किसी भी ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ ना, ये ऑलमोस्ट रात में आता है। तो यही टारगेट था कि इस ट्रेन में ट्रैवल करने का, कि यही सब जो स्टेशन जो आपको मैं हमेशा रात में दिखाता था वो दिन में दिखा पाऊँ। फिलहाल हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है रायचूर में और मैं आप लोगों से मिलता हूँ रायचूर डिपार्चर पर। ट्रेन का रायचूर पहुँचने का टाइम सुबह 8 बजे का था, पर हम लोग 15 मिनट पहले 7:45 पे ही पहुँच गए थे और अभी बिल्कुल राइट टाइम हमारा डिपार्चर हो चुका है रायचूर से 8:02 पे। मात्र 2 मिनट का ही स्टॉप था अगर वैसे देखा जाए तो। वो सामने वाले ट्रैक ही निकल जाते हैं बल्लारी की ओर, जहाँ पे हम लोग बढ़ने वाले हैं अपने रिवर्सल के बाद। इन्हीं ट्रैक्स में हम लोग वापस हो जाएंगे। गुंटकल जंक्शन पे हम लोग का अराइवल हो रहा है अब। तो दोस्तों फिलहाल हमारी ट्रेन अभी पहुंच चुकी है गुंटकल जंक्शन और यहां पे कॉफ़ी मिल चुकी है अपने को सुबह की पहली। खैर ट्रेन में चाय कॉफ़ी मिल रहा था पर कल मैंने टेस्ट किया था तो रिव्यू बहुत ही ख़राब था, इसलिए मुझे दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि मैं ट्रेन की कॉफ़ी या चाय ट्राई करूं। तो गुंटकल जंक्शन में हम लोग पहुँच गए। यहाँ खाने पीने की सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, बिरयानी वैसे मेनली अवेलेबल है, इडली वड़ा डोसा सांभर सभी साउथ की चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, नॉनवेज बिरयानी भी मिल जाएगी। यहाँ पर हमारी ट्रेन का जो लोकोमोटिव है उसे रिवर्स एक्शन में लगाया जाएगा, हम लोग रिवर्स एक्शन में बढ़ेंगे। गुंटकल जंक्शन एक इंपॉर्टेंट स्टेशन है 7 प्लेटफॉर्म का और यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह भी होती है, साफ सफाई भी होती है ट्रेन्स की। यहाँ से जो मेन रूट्स गए हुए हैं वो है बैंगलोर की ओर गया हुआ है, चेन्नई की ओर गया हुआ है, हैदराबाद की ओर गया हुआ है वाया कर्नूल टाउन, और जिस रूट से अभी हम लोग आ रहे हैं ये भी हैदराबाद की ओर ही जाता है लेकिन विकाराबाद तरफ से, और वाड़ी से रूट अलग हो जाता है। और आगे अगर बात की जाए तो मल्टीपल रूट्स डिवाइड होते हैं, गुटी से जाकर के चेन्नई वाली लाइन एक अलग होती है और बैंगलोर के लिए दूसरी लाइन भी अलग होती है, और यही लाइन अगर हम बढ़ जाएँ कर्नूल टाउन की ओर तो एक आगे जा करके डिवाइड होती है और विजयवाड़ा की ओर भी बढ़ जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन इस रूट का। मैं फिनिश करता हूँ इस कॉफ़ी को, आप लोगों से मुलाकात होगी ट्रेन के रिवर्सल के बाद जब हम यहाँ से वापसी की जर्नी शुरू करेंगे। फिलहाल हम लोग गुंटकल जंक्शन में। जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा है उन्होंने तो हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव जबलपुर अराइवल में देखा ही होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं दिखा दूँ कि ये आगे हमारा कृष्णराजपुरम का 40497। यही लोकोमोटिव अब जा रहा है आगे की ओर ताकि हमारी ट्रेन में वापस कनेक्ट हो सके। और मैं बता दूं कि यहाँ पे वेज बिरयानी बिल्कुल MRP में विद बिल 70 रुपीज़ की स्टेशन में मिली है, बिल्कुल गर्म। यहाँ ट्रेन चलती है तो आपको टेस्ट करके बताऊँगा कैसे। तो दोस्तों 10:20 पर हमारी ट्रेन 10 मिनट के डीले के साथ चल चुकी है गुंटकल जंक्शन से। आप लोग देख ही सकते हैं जिस जंक्शन से आए थे उसी में वापस हो ही रहे, और अब हम लोग इंजन से काफ़ी दूर हो चुके हैं, लास्ट के बोगीज़ हैं हम लोग। तो दोस्तों इस जगह से कुछ आपको याद आया, हम लोग अलग हो चुके हैं अब बेलारी लाइन की ओर।
तो दोस्तों ये है वो बिरयानी जो अभी हम लोगों ने गुंटकल से ख़रीदी है। चलिए इसका टेस्ट कर लेते हैं कैसी। वैसे देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, कम से कम 70 रुपीज़ में लग रहा है, कुछ ना कुछ तो मिला है जैसे। प्लेन राइस से तो काफ़ी अच्छा है, मतलब प्लेन राइस से काफ़ी ठीक लगा मुझे। ट्रेनों में मिलने वाली बिरयानी में से काफ़ी बेटर लगा। अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड है। अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं गुंटकल से और आपको ये चीज़ मिलती है, मेरे को तो बिल्कुल गर्म गर्म मिली, आप यहाँ पर स्टीम भी देख सकते हैं, तो ज़रूर आप ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया स्वाद है। आपसे कुछ समय पहुँचने वाले बेल्लारी, केवल 55 किलोमीटर है गुंटकल से, वहाँ आप लोगों से मुलाकात होगी। किसी रेलवे स्टेशन के बगल में इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत लेक पहली बार देख रहा हूँ, और हम लोग अब पहुँच चुके हैं बेल्लारी जंक्शन। काफी खूबसूरत लेक है यार। तो दोस्तों यहाँ 11:15 पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है बेल्लारी जंक्शन से। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बेल्लारी स्टेशन में, बस आपका कोच एकदम एंड पे ना हो, जैसे हमारा कोच है तो वहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती है। तो आप लोग पहले से ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि थोड़ा आगे चले जाना ट्रेन के अराइवल्स पहले, अगर आपको कोई चीज़ लेनी हो तो सेंटर पॉइंट पर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे गुड्स ट्रेन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। बेल्लारी का किला भी बहुत ही मशहूर है, यहाँ आप सामने देख सकते हैं बेल्लारी फोर्ट। ये जो लाइन है दोस्तों ये गडक होते हुए हुबली की ओर बढ़ जाती है, और हम लोग अलग हो चुके हैं और हम लोग बढ़ रहे हैं चित्रदुर्ग लाइन की ओर। बेल्लारी फोर्ट हमारे सामने से अब अलग हो रहा है, हम लोग दूसरे डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे। रायदुर्ग जंक्शन चित्रदुर्ग होते हुए हमारी जो रूट की लाइन है ये कादूर में जाकर के हुबली बैंगलोर लाइन पे मिलेगी। तो दोस्तों बेल्लारी से हमारी ट्रेन तो चल चुकी है और हम लोग एक नए सफ़र में नए रूट की ओर बढ़ चले हैं। जो आने वाले पार्ट हैं इस वीडियो के उसमें आप लोग देखेंगे इस रूट को, काफ़ी रूरल रूट है, सिंगल लाइन रूट है। आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा कर्नाटका कितना खूबसूरत है, और मैं आप लोग के लिए ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता रहूँगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलूँगा जल्द ही आप लोगों से आने वाले वीडियोस में। तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।